हेलो गाइस, मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अजमेर घूमने को। रात के 3 बजे हैं, हम यहाँ से निकले हैं गाड़ी करके। देखिए रात को बाहर का नज़ारा। रात का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह, खूब शांत वातावरण होता है। अजमेर में कुछ एक फेमस जगह है जहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं था पर हमने खूब एंजॉय किया। देखिए सुबह के 6 बज चुके हैं, पहाड़ों से घिरा है। ये है अजमेर का हाईवे। अब हमने यहाँ गाड़ी रोकी है और एक रेस्टोरेंट देखा है जहाँ आप रुक के चाय पानी वगैरह करेंगे, थोड़ा बाहर की हवा को लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी में बैठे हैं। ये देखिए कितना सुंदर कनेर का फूल है। बाहर का वातावरण सुबह सुबह का, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अब हम यहाँ से निकले हैं अजमेर की तरफ। हाईवे था तो काफ़ी ट्रक गुजर रहे थे पास से। अब हम आ गए हैं अजमेर शहर में। देखिए यहाँ के जो घर है, घरों की बनावट है, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, अलग ही मतलब देखने को मिलता है। ये शहर बहुत पुराना शहर हो जैसे, ये पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ अजमेर शहर। यहाँ की दीवारों पर भी देखिए कलाकृतियाँ बनी हुई है। अलग ही है यह शहर, थोड़ा पुरानी विरासत लिए हुए हैं अभी भी अपनी। अब हम पहुंच चुके हैं भारत की फेमस मस्जिदों में से एक। ये अजमेर की बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ हमने गाड़ी गाड़ी आ नहीं सकती थी तो हमने यहाँ से पैदल ही सफ़र तय किया। देखिए यहाँ काफ़ी दुकानें हैं छोटी छोटी, रंग बिरंगी चूड़ियों की शॉप है, खूब सारी ज्वेलरीज वगैरह भी है। ऐसा लगता है यहाँ जैसे ये छोटा मार्केट हो जैसे। ये रास्ता बहुत ही संकरा हुआ रास्ता है, ये यहाँ से पैदल गुजरना पड़ा हमें। अब हम आ गए हैं अजमेर की मस्जिद के सामने, मेन गेट है ये। यहाँ पर हमने अपने चप्पल जूते उतारे हैं, यहाँ से अब हमें नंगे पैर ही जाना पड़ेगा अंदर। देखिए बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है, नक्काशी हुई उस पर की हुई है, बहुत ही सुंदर। मैं तो इस दरवाजे को भी नहीं आ रही थी। अंदर से देखिए ये कुछ इस तरह का है नज़ारा, फूलों की खूब टोकरियाँ भरी पड़ी है गुलाब की फूलों की मस्जिद पे चढ़ाने के लिए। और यहाँ हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद का ये एरिया बहुत ही काफ़ी बड़ा है। चारों तरफ से घूम फिर के हमने देखा, यहाँ भी अंदर स्टोरी लगी हुई है सामान की। देखिए पूरा मार्बल से बना हुआ है, वाइट पत्थर से बना हुआ है ये पूरी मस्जिद। ये देखिए सामने मस्जिद। और आप यहाँ देखिए इस साइड काफ़ी लोग मतलब भीड़ है यहाँ। ये देखिए यहाँ विश्राम कर रहे हैं कुछ लोग तो, और कुछ अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। ये मेन गेट है मस्जिद का, बाहर से जैसे वही अंदर प्रवेश द्वार है। हमें इतना टाइम नहीं था कि हम अंदर जाके दर्शन कर सकें,
बहुत दिन दिन में ही हमको ये अजमेर घूम के घर वापस जल्दी लौटना था। ये देखिए यहाँ भी एक बड़ा सा बनाया हुआ है हॉल टाइप में, काफ़ी दरवाजे हैं इसके। इस साइड लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतों की धागे बांध रहे हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इसे। बहुत ही अच्छी जगह है, इसे हमने पहली बार देखा है। काफी दूरी में फैला हुआ है ये देखिए, यहाँ टेंट वगैरह ऊपर लगे हुए हैं, शायद ये रहने की व्यवस्था के लिए है ये। यहाँ भी देखो आगे स्टॉले लगी हुई है प्रसाद वगैरह की, चूड़ियों की। और अपने यहाँ से नंगे पैर ही अब आगे का सफ़र तय किया है, और क्योंकि हमें जाना है 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए। ये भी एक फेमस जगह है अजमेर की, भारत की एक ऐतिहासिक जगह है ये भी। ये देखिए अब हम यहाँ सीढ़ियों से चढ़े, काफ़ी ऊंचाई पर है ये। सीढ़ियाँ थोड़ी गर्म थी दोपहर की वह धूप की वजह से, तो थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, तो पास चल रहे हैं हम। काफ़ी पहाड़ों से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से एकदम से। ये भी बहुत शानदार और ऐतिहासिक जगह है, देखने लायक जगह है। देखिए चारों तरफ कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, काफी ऊंचाई पर है ये। अब हम सब यहाँ अंदर देख रहे हैं इसको चारों तरफ से, देखिए कितनी सुंदर तरीके से बना हुए है। सिर्फ 2.5 दिन के अंदर ये कैसे बनाया होगा किसी ने। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पिलर है, नक्काशी की हुई है हाथों से इन पर। और अब हम वापस निकल चुके हैं हमारे अगले सफर पर। धूप निकल चुकी रही थी, अब हम आ गए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर झील है, अन्ना सागर झील बोलते हैं इसको। पहाड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई है, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। अब हम आ चुके हैं अन्ना सागर चौपाटी। यहाँ किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता, यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ से पहाड़ है, और ये भी एक झील है जो पूरी घास से ढकी हुई है। इस टाइम सफाई चल रही है एक साइड पर, अभी हमें तो ये बहुत अच्छी लगी देखने को, बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये देखिए चारों तरफ कैसे यहाँ छोटे छोटे गार्डन भी है। देखिए कितना छोटा सा गार्डन है यहाँ। अब हम यहाँ से निकलेंगे दुनिया के 7 अजूबों की तरफ। ये जो 7 इमारतें हैं, यहाँ हमने फोटो शूट भी किया, गेमिंग का भी है यहाँ पर। ये देखिए, और ये भी बहुत शानदार जगह है अजमेर। तो वैसे ही पहाड़ों से ही, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है, बहुत ही शानदार शहर है ये। यहाँ देखने लायक काफ़ी जगह है, पर इतना हमारे पास टाइम नहीं था कि हम सब कुछ कवर कर सकें एक दिन में। अब हम निकल चुके हैं पुष्कर दर्शन की तरफ, भगवान ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर। रास्ता बहुत ही रोमांचित था, बहुत ही नज़रें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ।
देखिए सामने से, यहाँ भी बीच में काफी मंदिर आएंगे छोटे छोटे, सबको नहीं देखा अंदर जाके पर बाहर से दर्शन कर लिए। ये है नौहर माता का मंदिर, नौसर माता का मंदिर। यहाँ से आगे और गुजरते हुए पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, ये पूरा रास्ता पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए अजमेर शहर दिख रहा है पूरा, और ये है पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, बहुत बड़ी है। इसे भी टाइम नहीं था हम के जाके पास में देख सके, पर ये भी बहुत शानदार जगह थी, देखने लायक थी। मैंने पूरा रास्ता कवर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मा जी की नगरी। ये है गायत्री शक्तिपीठ, ये भी बहुत बड़ा मंदिर है गायत्री जी का। और ये है आश्रम पुष्कर का, जहाँ लोग विश्राम के लिए ठहर सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं पुष्कर। ये देखिए यहाँ अंदर, हमने मंदिर के अंदर यहाँ प्रवेश किया है। यहाँ पे स्टॉलें लगी हुई है पूजा सामग्री की, और वैसे भी मतलब जो चूड़ियाँ वगैरह लेडीज़ों के लिए, और भी खूब आइटम है। मंदिर मूर्तियाँ हैं इतनी सुंदर सुंदर, यहाँ ब्रह्मा जी की, भगवान कृष्ण की, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। ये देखिए अब हमने यहाँ से, यहाँ चप्पल वगैरह हमने अपनी खोली है और हाथ वगैरह धो के, यहाँ भी एक पूजा का विधान रखवाया था तो इन्होंने हमें एक पूजा थाली दी है, तो यहाँ एक छोटी सी पूजा की थी। यहाँ छोटी सी एक पूजा मतलब होने के बाद में हम आगे की तरफ निकले पुष्कर घाट की तरफ। यहाँ से इस साइड से ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। यहाँ से ये रास्ता है घाट की तरफ जाने का। गाइस ये आप देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ का ये एरिया है, ये 52 पूरे 52 घाट है ये, और बीच में ये पानी है 52 घाटों के बीचों बीच। यहाँ लोग स्नान भी कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र जगह है ये पुष्कर। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, काफी सुकून भरी जगह है। हम यहाँ डुबकी तो नहीं लगा सके, लेकिन प्रणाम करके और पानी की कुछ छींटे अपने ऊपर लिए, क्योंकि अंदर मछलियाँ काफ़ी थी, बच्चे तो मछलियों के साथ ही इंजॉय करने लग गए। ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ, यहाँ चावल के दाने डालते हैं तो ये खाती है। मछलियाँ खूब थी तालाब के अंदर, तो नहाने बच्चे जाने नहीं रहे थे और पानी से डर भी लगता है इनको। ये देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो रही है एक जगह पर, बच्चों ने यहाँ खूब इंजॉय किया, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बैठे यहाँ काफ़ी देर, हमने बहुत समय बिताया यहाँ पर। पहाड़ों से चारों तरफ घिरा हुआ। अब शाम हो चुकी थी और सबको लग चुकी थी भूख, तो ये है रेस्टोरेंट, बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, और इसका बाहर से जितना सुंदर है उतना ही इसका खाना बहुत अच्छा था। गाइस आप एक बार ज़रूर जब भी अजमेर आए तो यहाँ का खाना ज़रूर खाना, बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत इंजॉय किया। ये देखिए मेरे बच्चे ने मछलियाँ भी शूट कर लिया है। यहाँ बच्चे बैठे हैं और खाने का मेन्यू देख रहे हैं, खाने में क्या ऑर्डर करें। ये मैंने थोड़ा कवर किया है इसे, अब खाना वगैरह हो गया है हमारा, अब हम बाहर आ चुके हैं। गाइस अब हम घर को रवाना हो रहे हैं।
मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।